नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज डॉट इन। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो मेघना गुलजार अपनी नई फिल्म राजी के साथ आ रही है। इस फिल्म के लीड रोल्स में हैं आलिया भट्ट और विकी कौशल। आलिया भट्ट इस फिल्म में एक इंडियन स्पाई का किरदार निभा रही है जो पाकिस्तान के राज भारत तक पहुंचाती है। ये फिल्म 2008 में आए हरिंदर सिक्का के नॉवल कॉलिंग सहमत पर आधारित है। राजी एक सत्य घटना पर आधारित है। वतन के झंडे पर आलिया भट्ट जिस भारतीय महिला जासूस का किरदार निभा रही है, उनकी पहचान आज भी गोपनीय रखी गई है। उस महिला जासूस के बलिदान, त्याग और खुफिया कहानी आप सबके सामने राजी के जरिए आ रही है। लेकिन कौन थी ये महिला जासूस? क्या है उनके बलिदान की कहानी? क्यों उन्हें पाकिस्तान भेजा गया? आज हम आपको बताएंगे। कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन नेवी के रिटायर्ड अफसर हरिंदर सिक्का उस वक्त आर्मी पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई आर्मी के एक ऑफिसर से, जिन्होंने उनको सहमत की कहानी सुनाई। उस कश्मीरी लड़की की कहानी जिसने अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 1971 में इंडो पाक युद्ध के दौरान इस महिला जासूस ने पाकिस्तान में दुश्मनों के बीच रहते हुए भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई थी। साथ ही वो उन चंद सीक्रेट एजेंट्स में से एक थी जो पाकिस्तान में जासूसी कर भारत जिंदा लौट पाई थी। फिर क्या था, हरिंदर सिक्का अपने आप को रोक नहीं पाए। वो पंजाब के मलेरकोटला गांव पहुंचे जहां वो रहती थी। उन्हें देखकर खुद नेवी ऑफिसर रह चुके सिक्का भी यकीन नहीं कर पाए कि वो जासूसी करती थी। सिक्का की कई बार मिन्नतें करने के बाद उस महिला जासूस ने फिर अपनी कहानी बताई। दरअसल 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध से पहले इंडियन आर्मी को कई ऐसे जासूस चाहिए थे जो पाकिस्तान में रहकर उनकी हर हरकत पर नजर रखे। तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बनके पाकिस्तान में रहो। इसके लिए एक कश्मीरी बिजनेसमैन अपनी बेटी सहमत को मनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने इस काम के लिए अपनी बेटी को क्यों चुना, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। मगर सहमत खान जासूसी के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं थी। उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ रही थी जब उनके पिता ने उनको जासूसी करने के लिए कहा। वो तो एक फूल सी खिलखिलाती हुई एक युवा लड़की थी, लेकिन अपने पिता और देश के लिए वो इस काम करने को तैयार हो गई। अपने वतन की खातिर उनका निकाह पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से करा दिया गया और फिर वहीं से खुफिया तरीके से भारतीय आर्मी को पाकिस्तानी सेना की बहुत सी गोपनीय और अहम जानकारियां देती रही। और तो और, वो पाकिस्तान के जनरल यूसुफ खान के पोते पोतियों की टीचर भी रही। वो सहमत ही थी जिनकी समय पे जानकारी देने की वजह से आईएनएस विराट को बचाने पे सफलता मिली। अपनी जान की परवाह किए बिना सहमत ने समय समय पर भारत को अनमोल खुफिया और जरूरी जानकारी दी, जिसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकी थी। सहमत ने पाकिस्तान के कई ऐसे राज भारत तक पहुंचाए जिससे कई सैनिकों की जान बच गई। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद जब सहमत भारत पहुंची तो वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसने आगे चलकर अपनी माँ की तरह इंडियन आर्मी ज्वाइन करी और देश की सेवा करता रहा। जब हरिंदर सिक्का सहमत से मिले थे तो उन्होंने बताया था कि वो बहुत शांत और कम बोलने वाली थी। वो उनसे इतने इंस्पायर्ड हुए कि उनकी कहानी को अपने कलम से आवाज़ देने लगे। लेकिन सहमत ने उनसे एक वादा लिया था कि उनके जीते जी वो इस कहानी को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। हरिंदर ने भी अपना वादा पूरा निभाया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी, उस महिला जासूस का नाम सहमत खान नहीं था। उनका नाम क्या था कोई नहीं जानता। उनकी पहचान आज भी गोपनीय रखी गई है। ये महिला जासूस उन तमाम अनसंग हीरोज की तरह है जिन्होंने अपनी पहचान, अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। हम उनको सलाम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं।